तो अगर तुम्हारा भी हेयर फॉल हो रहा है ना, तुम ये प्रोडक्ट लाओ भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे मेरे को ज्यादा बेहतर लग रही है बाइक, एंड एक नई लुक आ रही है बाइक में। पीछे से देखो भाई, इस टाइम पे मेरे को एक बीवी आनी चाहिए थी और चाय लेके आनी चाहिए थी और बोलनी चाहिए थी, अजी सुनते हो। जिनके साथ तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, वो खुद को मतलब शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हैं कि शाहरुख खान आगे है मैं पीछे हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार मुझे एक तो ना आजकल बहुत सारा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं बीमार पड़ गया हूँ। एंड मुझे बस एक चीज का अफसोस हो रहा है कि मैं सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है, माँ कसम मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ता हूँ यार, पर आजकल नहीं हो रहा मुझसे, तो आई एम सॉरी, ऊपर वाले माफ कर देना मुझे यार। इस टाइम पे मेरे को एक बीवी आनी चाहिए थी और चाय लेके आनी चाहिए थी और बोलनी चाहिए थी, अजी सुनते हो। सुबह सुबह हर लड़का बीवी को मिस करता है भाई, पता नहीं अभी मेरी बीवी किसको कह रही होगी, मैं माय जानू माय सोना मेरे बाबू ने थाना थाया। चलो भाई उठते हैं यार, कोई बीवी भी नहीं आने वाली है, अभी उठते हैं और देखते हैं फिर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर आमिर शेख, एंड कैसे हो आप सब, होप आप सब ठीक हो गए, मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत तो हो गई है, पर फिर भी ये देखो एक और अमेजोन का मेरा प्रोडक्ट आ गया है भाई, मेरा पार्सल आ गया भाई। अभी इन पर लिखा नहीं होता है कुछ, ये देखो मैंने चीज़ें तो बहुत मंगवाई है पर लिखा नहीं होता है कि क्या चीज़ है, तो बंदा थोड़ा खुशी से खोलता है कि इसमें क्या अजाब है भाई। तो ये चीज़ है भाई, ये देखो पैसा खत्म हो गया भाई, यही लास्ट कुछ पैसा बचा था मेरे पास, अब मैं नंगड़ हो गया गाइस वापस से। वाव वालों का ये देख रहे हो तुम, ऑनियन ऑयल भाई, ये सबसे बेस्ट ऑनियन ऑयल है। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम लोग पहले देखो ये क्रीज कहाँ जा रही है, जा रही है ना पीछे, और इस साइड से भी जा रही है ना पीछे, तो बालों में थोड़ी बैंड बजी पड़ी है, तो इसके लिए मैंने ये मंगवाया है। ये है भाई समथिंग 599 भाई, ये देखो 599 का है, 600 रख लो तुम, मैंने पहले भी लिया था, मेरा बहुत हेयर फॉल हो गया था, ये बात है 2023 की स्टार्टिंग में भाई, बिल्कुल ये चीज़ ना ख़त्म थी ये बीच में, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिबॉन्डिंग्स वगैरह करी थी, तो उस वजह से बाल मेरे निकल गए थे। तो अगर तुम्हारा भी हेयर फॉल हो रहा है ना, तो तुम ये प्रोडक्ट लाओ भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा था ये शूट करने से पहले, बोल रहा था भाई के, मतलब सब्सक्राइबर था मेरा एक भाई था, वो बोल रहा था कि भाई मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे भाई। एंड उसने एक बंदे का नाम लिया कि भाई उसके तो व्यूज़ आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे। भाई तुम देखो, वो बंदा एडवाइस एक ऐसे बंदे से ले रहा है कि जिसके खुद नहीं आ रहे व्यू। भाई पहले तो आप लोग समझो, बहुत सारे लोग इस चीज़ में परेशान होंगे, एंड बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं और भी यूट्यूबर्स को पूछा करते होंगे। मुझे पता है जो भी यूट्यूब पे आता है वो यूट्यूब को ही मतलब अपना सब कुछ दे देता है यूट्यूब पे ही, एंड वो यूट्यूब से बहुत प्यार करता है, तो प्यार करो तुम, पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो यूट्यूब से कि भाई मैं वीडियो डालूंगा एंड मुझे एकदम से मिलियन व्यूज आएंगे। जैसे देखो अब मेरे तुम व्यूज देख लो, आ रहे हैं क्या यूट्यूब पे ना, तुम्हारा अप डाउन चलता रहता है, कभी व्यूज आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो भाई। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम ग्रो कर सकते हो जल्दी, कुछ भी हो सकता है, फेक हो सकता है, भाई यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता भाई, यूट्यूब पे बहुत रगड़ानी पड़ती है, खासकर लड़कों के लिए ये चीज़ है भाई कि तुम्हें तो बहुत मुश्किल होगी भाई। अगर लड़का यूट्यूबर है ना तो भाई बहुत रगड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़माना लड़कियों का है भाई। भाई तुम खुद देखो, तुम इंस्टाग्राम देखते हो ना, तो तुम्हें वहां पर कितनी रील्स आती है लड़कियों की भाई, भाई उनका कंटेंट क्या होता है कि आई एम फ्रॉम जम्मू एंड यू, भाई वो रील मिलियन में, लड़का क्रैश कर रहे जा रहा है, लड़का बाइकें उड़ाया जा रहा है, लड़का भाई एरोप्लेन से कूद रहा है, फिर वही 50,000 व्यू। भाई तुम देखो डिफरेंस, तो ये जमाना लड़कियों का है, एंड लड़की होके भी अगर तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई यही रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैं नहीं बोल रहा कि कोई लड़का गलत है कि लड़कियों को देखते नहीं, ये भाई कुदरती है। मैं खुद देखता हूँ भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे इतनी गंदी गंदी रील्स आती है, तुम पूछो मत, तौबा। ये भाई मैं चाह के भी उनको स्क्रॉल नहीं कर पाता, समझ रहे हो, बाकी अगर कोई लड़का आ गया था
भी करते हो, सारे करते हैं भाई। अभी देखो मैं कैमरे में बोल रहा हूँ ये सब चीजें, अगर मुझे बाहर का कोई बंदा देखेगा वो बोलेगा पागल हो गया, एक फोन को तरफ फोन की तरफ देख के ये क्या कर रहा है सब। पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, मुझे वीडियोस बनानी अच्छी लगती है तो मैं करता हूँ भाई। बाकी मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि मैं वीडियो डालूंगा एंड हजार लाखों लोग देखेंगे। अगर मुझे 1000 लोग देख रहे ना तो भाई उन 1000 लोगों के साथ कनेक्ट हूँ मैं अभी, एंड उनको अपने दुख सुना रहा हूँ, वो भी कमेंट में अपना सुनाते हैं, कुछ तो गाली भी मारते हैं, तो मजा इन सब चीजों से मुझे मजा आता है भाई। भी मजा लो क्योंकि जिंदगी 4 दिन की भाई, 3 दिन हो चुके हैं, एक ही दिन बचा है, मजे लो जिंदगी में, खुश रहा करो, एंड इतना टेंशन मत लिया करो कि भाई मैंने वीडियो डाली एंड व्यूज नहीं आ रहे, भाई मजे से करो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम भी बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे। बाकी ये जो तुम कंपेयर करते हो ना खुद को किसी और के साथ कि यार उसके इतना है इसका उतना है, जिनके साथ तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो ना वो खुद को मतलब शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हैं कि शाहरुख खान आगे है मैं पीछे हूँ। बस एक चीज बोलूंगा लास्ट में, जो कि सारे बोलते हैं कि लड़कियों को सपोर्ट मत किया करो, हमें भी किया करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि ओ तेरी पेड़, ओ सॉरी सॉरी भाई ये निकल गया इसमें, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई खुश रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी चलते हैं हम बाहर। आज मैं तुम्हें अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं भूल गया था भाई, मैंने बाइक मॉडिफाई करी हुई है, इतनी घातक बनी है ना बाइक भाई। आगे बोल, लेट्स गो। वेल गाइस फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ बाहर, ये देखो शाम हो गई है, निकलते निकलते शाम होगी भाई। बाकी अभी मैं तुम्हें अपने बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ भाई, नंबर वन मॉडिफिकेशन जो इंडिया में है भाई, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पेश निपटा हुआ केस, ये देखो भाई, और मेरे साथ ये बंदा इधर आओ, इधर आओ भाई, ये शर्मा किधर 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 जा रहे हो, कसम से नहीं इधर आओ, क्यूट गर्ल देखो गाइस। तो फिलहाल हमारी बाइक कुछ इस तरह की लग रही है जो मैंने चेंजिंग करी है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने लाया था व्हील कवर भाई, चीपेस्ट, ये इतना घटिया वाला व्हील कवर है ना भाई। एक चीज़ बोलूं, अमेज़ॉन वाले बिल्कुल फ्रॉड करते हैं भाई, लगाते लगाते ही थोड़ा हल्का सा इसमें स्क्रैच आ गया एंड बहुत प्रॉब्लम हो गई भाई लगाने के लिए। बाकी पीछे से देखो भाई, पीछे से भी मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने मैग्नेटिक वाला वो लाया था, वो भी लगवा दिया है, एंड लाइट्स देख रहे हो तुम। बाकी ये सामने से भाई, तुम सोच रहे होगे ये क्या अजाब है भाई, ये देख रहे हो ये भाई, क्या पहले तो तुम कमेंट करके बताओ कि ये लग कैसा रहा है जो ये सामने से है भाई। ये मेरा मन नहीं था निकालने का, पर ये ना सर्दी की वजह से टूट गया भाई, थोड़ा सा गेट के साथ बजा हल्का सा एंड काम तमाम ख़त्म। बाकी भाई मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब ये देखो तुम, तुम्हें मैं बाइक पर चढ़ के बताऊँगा, ये देखो सामने से क्या लग रहा है भाई, बिल्कुल अलग ही लुक हो गई है बाइक की, एंड मिरर अभी तक मैंने निकाले नहीं है, तो अब देखते हैं भाई। ये बन चुकी है कुछ इस तरह की, वो बुल टाइप बन चुकी है, कैसी लगी बाइक सामने से? हाँ इधर आओ ना यार, आप क्यों शर्मा रहे हो, बताओ ये कैसा लग रहा है आप? गाइस मैं फुटबॉल प्लेयर था पता आपको, आ जाओ छीनो मेरे से, आओ अगर दम है तो छीन के बताओ, गाड़ी का ध्यान रखना। अले बीच रास्ते, अरे यार अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गाड़ी का ख्याल, उधर उधर गाड़ी है साइड आ जाओ। भाई मैं रोनाल्डो था क्या पता है? ओए अरे यार अगर मैं फुटबॉल खेलता ना, मैं बहुत टैलेंट था मेरे में फुटबॉल के चक्कर में। ओए यार कहाँ जाते हो खेलने? वेल गाइस लेट्स मूव। अभी देखो बाइक कैसी लग रही है भाई, अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको सामने से ये लगाऊं कोई भी मतलब वाइजर, ऐसे मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रही है बाइक, एंड एक नई लुक आ रही है बाइक में, तुम लोग देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल ना एक वो सुपर बाइक टाइप लगती है यार, क्या चक्कर है, वाओ। हाँ बाई कर रहे थे, पता नहीं मैंने तो नहीं देखा, अपना जलवा है भाई, लड़कियां बाई करती हैं हमें। वाओ गाइस देख रहे हो क्या सामने से लुक आ रहा है बाइक का, एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें भूल गया बताना, ये देखो यहाँ पे भी तुम्हें डिफरेंस लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ये भी मैंने नया इंस्टॉल करा है बाइक में। कहा हो गया भैया, क्या हुआ, किस क्या फिल्म होगी? नहीं यार
लड़की का चक्कर बाबू ये ये क्या उठाता रहता है उधर इधर से यार, इसको कोई बोलता नहीं है कुछ। चाय दुकान कमिस कस्टमर तो होटल होटल خبر ٹی شرٹ پیپر دوٹا پانونی ہتھا پی خطر اتنی کرسی بان Yeah.